बड़ी खबर से रूबरू कराते चलते हैं। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NIET ग्रेटर नोएडा में 26 करोड़ रुपए के निवेश से 11 PTC प्रयोगशालाओं का उद्घाटन तथा 2018 एवं 2019 बैच के 1750 प्लस विद्यार्थियों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक द्वारा जॉब ऑफर लेटर का वितरण। मेरे हापुड़ लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर नासिर अली जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, लोकसभा की प्रत्याशी सभी अपनी दावेदारी तेजी के साथ कर रहे हैं। प्रगतिशील पार्टी से डॉक्टर नासिर अली जी चुनाव लड़ रहे हैं मेरे लोकसभा हापुड़ से। यहाँ पर एक जानने वाली चीज़ और समझने वाली बात यह है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा अपराध में एक बहुत ही अमूल्य सीट मानी जाती है, क्योंकि इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर दो बार BJP के सांसद रह चुके राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा। लोगों में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिली और महसूस हो भी रही है जो लोगों से हमने जानने की कोशिश की, लोगों की प्रक्रिया ली, उनकी राय ली, तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं देखिए आप कुछ बदलाव 10 सालों में नहीं आ पाया। और मैं एक बात को जानना चाहूँगा डॉक्टर नासिर अली जी से कि राजनीति में आने की अब इस प्रोफेशन में हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करते हैं, दूसरा भगवान कहलाया जाता है, डॉक्टर साहब को किस रेचो पड़ी राजनीति में आने की क्या सुधार आने वाले हैं और प्रगतिशील पार्टी कितना प्रगति पर उतरती है, कितनी प्रगति होने वाली है। हमारे हॉस्पिटल में दवा भी मिलती है और दवा भी मिलती है जी, इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल का नाम सिद्धवा रखा था। दोनों चीज़ मिलती है हमारे जी, और जब दवा और दवा दोनों एक साथ मिलेंगी तो इंशाल्लाह कोई मरीज ऐसा नहीं होगा जो ठीक ना हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपके लिए दुआ का दौर जारी हो चुका है जी, 11 तारीख तो बहुत नज़दीक है, दुआ का दौर भी जारी हो चुका है क्योंकि हर अगर तो शायद आप सेवा ही करता है डॉक्टर। आप डॉक्टर का काम क्या है? सेवा करना। इंसान को दूसरी ज़िंदगी अगर दे रहा है तो डॉक्टर भी दूसरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं देता। देखिए जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे होते हैं मुझे गेट पर खड़े मिलते हैं। डॉक्टर नेता माननीय शिवपाल यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो है एक तरह से पार्टी के संरक्षक हैं, मैं उन्हें और जितने भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं सभी के लिए वोट की अपील करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बने और हमारे माननीय शिवपाल यादव जी के हाथ मजबूत करें। एक बात कही है यहाँ पर 20 से 25 के बीच में डॉक्टर साहब जीत हासिल पार्टी कर। मैं कैमरामैन।